जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि शिखर के मैंने नए एमरीस्टोन, रेड एमरीस्टोन ऑर्डर किए थे जो आ गए हैं अपने यहाँ पे। और अभी मैंने जैसे कंपनी बोला था, वहाँ से डायरेक्ट मशीन कट कर होके आए हैं, पूरा ही मशीन कटे पत्थर। ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों मशीन कटे। और जैसे कि इसमें अपने अंदर लाल वाले में बंगड़ी रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से मतलब स्लीप ही आता है ऐसा, तो यहाँ अंदर बंगड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है। और अभी इस बार के वीडियो में अपने रेड एमरी पत्थर डालेंगे, तभी मैं आपको पत्थर को कैसे बैलेंस करना है वो बताऊँगा। एक भाई का कंप्लेन आया था कि मैंने नए पत्थर डाले और चक्की एकदम पूरा हिल रहा है, तो किस कारण से हिलता है वो भी अपने इस वीडियो में, अगले वीडियो में जो पत्थर डालेंगे तभी बात कर देंगे कि उसमें क्या है कि ये घूमने वाले पत्थर को अपने बैलेंस करना होता है, ये पत्थर को अपने को घूमने वाले पत्थर को बैलेंस करना होता है। वो किस प्रकार बैलेंस करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। डब्बे का सिस्टम होता है और दो बेरिंग का सिस्टम होता है, उससे अपने को ये पत्थर को एक बार बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके बैलेंस करने के बाद ये पत्थर क्या एकदम सीधा घूमेगा और बिल्कुल भी अपनी चक्की वाइब्रेट नहीं करेगी। जैसे हम अपने मतलब पुराना पत्थर डाल रहे हैं वो बिल्कुल सीधा चल रहा होता है, जैसे अपने नए पत्थर डालते हैं तो बहुत बार क्या है वाइब्रेट करने लग जाए, चक्की बुरी हिलने लग जाती है। तो जुड़े रहिए अपने भाई के साथ में। और आपने अभी अब तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपको भी शिखर का रेड एमरी पत्थर ऑर्डर करना है, लाल वाला मैंने लिया है, इसके अंदर गेहूँ, बाजरी और ज्वार और चावल तीनों की क्वालिटी एकदम बेस्ट आती है। और मकई के लिए मैं तो आपको मालूम है, मैंने ब्लैक एमरीस्टोन डाल रखा है। आपको मान लो एक ही चक्की है सब चलाना है तो आप ब्लैक एमरी ले लो, बाकी आपको ये तीन चीज़ मैंने बोला है गेहूँ, बाजरी, जुवार और चावल पीसने का, तो आप रेड एमरी ले लो, क्योंकि इसमें टंके करने के बाद भी तुरंत बारीक आ जाता है और आटा भी एकदम पॉलिश आता है। अभी वहाँ से कंपनी से आया है तो इसमें कट मार के आया है, तो अपने को मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा इसमें रेत पीसने की ज़रूरत होगी, रेत भी पीसने की ज़रूरत नहीं होगी। लगभग आटा डाल के अपने और आटे में 3 किलो रेत मिक्स करके खाली इसका लेवल ही लेना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो चले बने रहिए अपने भाई के चैनल पर, और जब भी अपना भाई आपके लिए नया वीडियो डालेगा तो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, कृष्णा द बेस्ट वीडियो।